मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। मुझे मालूम है कि मैंने इस क्लिप में मुंह सही से धोया हुआ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन ये एक इंस्पिरेशनल क्लिप है इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ब्राउनी को, ये जो ब्राउनी साहब है ना, इनको जानमाज बहुत पसंद है। जब नमाज पढ़ो ये ऐसे बैठ जाते हैं। ये देखें जानमाज के साथ इनके राज दुलार शुरू हो गए हैं और मैं नमाज पढ़ती हूँ और ये इस तरह बैठ कर देखते हैं। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज पढ़ रहे थे तो उनके कपड़ों के दामन में यानी के कोने में एक दफा बिल्ली सो गई, तो उन्होंने अपने कपड़ों का वो जो दामन था वो काट दिया, लेकिन बिल्ली की नींद को खराब नहीं होने दिया। ब्राउनी को सर्दी लगी थी, स्वेटर पहनाया, पता नहीं किधर उसने उतार के फेंक दिया। उससे अच्छा तो ये ऊंट है, कम से कम बेचारे ने पजामा तो पहना हुआ है ना सर्दी में। हेलो हेलो या हेलो या हेलो। असल में मेरी जो कजन है वो अमेरिका से आई थी उमरा करने के लिए और बारिशों की वजह से वो जद्दा मेरे पास नहीं आ सकी, तो हमने प्लान ये किया था कि जब वो जाएगी तो जाते टाइम पर जो है वो एयरपोर्ट पे जब जाएगी फिर मैं उसे एयरपोर्ट पर ही मिल लूँगी। मेरे घर से एयरपोर्ट का रास्ता तकरीबन 10 मिनट्स का है, तो बस अब मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। वैसे भी जो लोग जो है ना वो बाहर से आते हैं तो वो बहुत मोहतात होते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, कहीं बारिशों में फंस ना जाएं। जद्दा और मक्का का जो रास्ता है वो तकरीबन 45 मिनट्स का है और अब कल उसको आना था मेरे घर में, कल का प्लान था। परसों भी कह रही थी मैं मक्का में ही हूँ लेकिन वो दोनों दिन नहीं आ सकी क्योंकि दोनों दिन बारिश स्केजुअल थी, आज भी एक्चुअली बारिश स्केजुअल है। सो लेट्स सी एयरपोर्ट पे, ये भी एक तरीका है जाते जाते जो है आप अपने प्यारों से मिल लें। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में बहुत पहले मैं उससे मिली थी जब उसकी शादी हुई थी, मेरी भी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। अमेरिका इतना दूर है कि बार बार जो है वहाँ पर जाया नहीं जा सकता, और मैं जब भी गई तो ऑरलैंडो गई, तो वो जैसे स्टेट में थी तो फिर वहाँ पर ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिलता बिकॉज आप बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए जाते हो, इतनी लंबी लंबी फ़्लाइटें होती हैं। और अपनी अम्मी से मैं मिलने के लिए हमेशा खुद उन्हें यहाँ बुला लिया करती थी, तो इतनी दूर का ट्रैवल करने से बेहतर है, और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने मीडिया और बिज़नेस के मामला में बहुत बिजी रहती हूँ, तो बेहतर ये है कि अपनी अम्मी को बुला लिया जाए। तो बस उसमें ये कि जो दूसरे रिश्तेदार थे वो मिलने से रह गए, सालों गुजर चुके हैं, आई थिंक इट हैज़ बीन 29 ईयर्स कि मैं मिली नहीं। तो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड वो हुआ करती थी, बहुत खामोश बहुत प्यारी सी, तो आज मैं उसको मिलूंगी तो कैसा लगेगा पता नहीं, वो बहुत जज्बाती हो रही है, मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरा ख्याल है कि वो वीडियो में आना नहीं चाहेगी। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सालाना यानी कि ईयरली सफर करने वालों की जो तादाद है वो 15 मिलियन से ज्यादा है। ये एयरपोर्ट दिसंबर 2022 के दौरान कारकर्दगी के हवाले से सऊदी अरबिया के तमाम एयरपोर्ट्स में सरे फहरिस्त रहा है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही सऊदी अरबिया के तमाम एयरपोर्ट्स के मुकाबले में। यहाँ टर्मिनल 1 से मस्जिदुल हराम तक पिलग्रिम्स को यानी कि जायरीन को मुफ्त बस सर्विस फराहम करने का मंसूबा जेर गौर है। इस मुफ्त बस सर्विस से वही जायरीन मुस्तफीद होंगे जो एहराम पहने हुए होंगे। रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये फ्री बस सर्विस जो है वो जो फराहम की जाएगी, उसमें सऊदी बाशिंदों को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा, जबकि जो मुकीम गैर मुल्की हैं उन जायरीन को इकामा कार्ड पेश करना होगा। ये फ्री सर्विस हरम शरीफ के लिए हर 2 घंटे के बाद चलाई जाएगी। कजन के साथ मैं मिल चुकी हूँ, मुझसे हुआ नहीं कि मैं उनसे पूछूँ कि मेरी वीडियो में आए बिलाग में, जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉग में आप ऐसे ही अपने शौक से बनाती हूँ, कोई ऐसे ही ऑफिशियली या प्रोफेशनली नहीं बनाती, तो बहुत अच्छा लगा। जी जनाब, तो अब मैं जाऊंगी ऑफिस और इस व्लॉग में मैं आपको कुछ कारामत चीज़ें बताना चाहती हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कपड़े सही से तय करने के तरीके के बारे में। वैसे तो शायद ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, अक्सर औरतें इसको इग्नोर भी करती होंगी, लेकिन यकीन जानिए कि ये बहुत ज़रूरी ज़रूरी अमर है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ ऑफिस और ये मैंने कहा अपनी गुफ्तगू को आगे जारी रखूँ। तो बात यह है कि हम बात कर रहे थे कपड़ों की कि अलमारी को मुरतब करके रखना सलीका बंदी से जो है वो आपके कपड़े तय होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से कपड़े तय नहीं करेंगे तो फिर जो है आपकी अलमारी भी मुरतब नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पॉइंटर्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए हैं। और सॉरी मुझे नज़ला है, बारिश का मौसम है,
तो जनाब मैंने कहा आपके लिए वीडियो में कोई ना कोई अच्छी काम की चीज़ ज़रूर देती रहा करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू पे आपसे बात करूँगी। एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख गए हो तो अब आपको किसी ऐसे बंदे से सीखने की ज़रूरत नहीं है जो कि शायद इल्म और हुनर में आपसे ज़्यादा ना हो। नहीं, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसको कोई और फ़र्क दिया हो, उसके अंदर कोई और इल्म हो। तो हर एक से इल्म कशीद करने की कोशिश कीजिए, हर एक से मालूमात और अच्छी चीज़ें अपनाएं और उनसे सीखें। हम जिंदगी भर सीखते हैं। ये अहम बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मुरतब अलमारी जो है कपड़े तय करने का तरीका और सलीका मैंने किससे सीखा? मैंने अपनी नौकरानियों से सीखा। इंडोनेशियन और फिलिपिनो तो इस मामले में बड़ी सलीका मंद होती हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने उनसे सीखी थी। तो आइए मैं आपको सर्दियों के कुछ कपड़े जो हैं उनको तय करना बताऊँ कि मोटे होते हैं ये कपड़े और इनको किस तरह से मुरतब करके आप अपनी अलमारियों में रख सकते हैं। यहाँ आप इस मोटे से कपड़े की कमीज़ को देख सकते हैं कि साइडों से इसने कैसे तय किया और फिर आस्तीनों को किस तरह से ये फोल्ड करने में मदद हासिल करके इसने एक चौकोर पैकेट बना के रखा है। इस तरह के बॉक्सेस बाजार में मिलते हैं और आप इनके साइज के मुताबिक अपने कपड़े इस तरह से तय करके पैक बना कर रखते हैं। ये खुलते भी नहीं है, इनकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होती है और ये फिर आसानी से आपके एक्सेस में भी आ जाते हैं। आपको पता होता है कि यह आपका कौन सा वाला लिबास है या कौन सी वाली कमीज़ है, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं बगैर किसी दूसरे कपड़े को डिस्टर्ब किए हुए और इस तरह दूसरे कपड़ों की भी तरतीब ख़राब नहीं होती है। इस तरह की जैकेट्स को तय करना बड़ा चैलेंजिंग रहता है। मैं तो सीधे से इनको हैंगर पर ही लगा देती हूँ, लेकिन आप इसको भी बॉक्सेज में रख सकते हैं कुछ इस तरह तय करके। सर्दियों में मोज़े बहुत पहने जाते हैं और मोज़े यहाँ वहाँ जो पेयर है वो खो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों मोज़ों को किस तरह एक साथ चौकोर पैक करके मुरतब करके इन्होंने तय कर दिया है। वो तरीका समझ ना आए तो ये एक तरीका और भी आप देख लें मोज़े को राउंड करके तय करने का, और इसको भी आप बॉक्स में रख सकते हैं। जीन्स का कपड़ा बहुत मोटा होता है तो उसको छोटी पैकिंग में पैक करके बॉक्स में कैसे रखें, इधर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, जीन्स को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस तरह फोल्ड किया है कि इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी और एक पैकेट टाइप का इन्होंने बना के फोल्ड करके बॉक्स में इन्होंने मुरतब करके रख दिया है। चलिए जी, अब मैं जाऊंगी घर। बारिश हो, तूफान हो, नज़ला हो, जुकाम हो, बीमारी हो, अज़दहाम हो, मैं अपने काम से छुट्टी नहीं करती। आई लव माई वर्क। मैं घर पहुंची तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे घर में अभी सिर्फ सोलर लाइटें ही जल रही हैं और जो करंट से बिजली से जितनी भी लाइटें जलती थी वो सब चौकीदार ने बंद कर दी हैं। एहतियात के लिए बारिश के मौसम में ये सब बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे घर में बाहर बहुत सारी लाइटें हमेशा जगमगाती रहती हैं। तो जनाब आई होप कि मैंने इस व्लॉग में आपको कारामत चीज़ें बताई होंगी। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मा सलामा, बाय बाय।